dear students in this module we are going to ask a very important question from a functionalist point of view that can deviance really be functional for the society the functional perspective suggests that deviance can serve as a function for society it can be considered positive for the society such as reinforcing the social norms and promoting social change तो डिवियसी चूँकि एक नेगेटिव बिहेवियर कंसीडर होता है लेकिन फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि ये इक्वली जो है एक पॉजिटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है किस तरह से कि जैसे हमारे लिए जो सोशल नॉर्म्स होती हैं उनको रीडिफाइन कर रहा होता है कोई भी जब क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करेगा तो बाकी लोगों के लिए उसके हवाले से ये क्लियर होगा कि माशरा ऐसे एक्शंस को नेगेटिवली देखता है लिहाजा इसके हवाले से हमें ख़बरदार होना है और इसके हवाले से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम इसको इससे इजतनाब करते हुए ऐसा रवैया अख्तियार करें जिसको कि माशरा पॉजिटिवली देखता है इसके साथ साथ जो एक सोशल चेंज का मेकनिज़म है उसके हवाले से भी डेवियंसी पॉजिटिवली कंसिडर की जाती है जैसे बहुत से ऐसे रवैये होते हैं बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस होती हैं माशरों के अंदर जिनके हवाले से लोग जो हैं वो शायद उनको बरसों से उन एक्ट्स को उन प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते आ रहे होते हैं और कभी इन इस चीज़ के ऊपर ग़ौर नहीं करते कि शायद ये उनके बाकी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स के हवाले से काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं और डिवियनसी जो है या एंटी सोशल बिहेवियर उन प्रैक्टिसेस के हवाले से कायम करना जो है वो पॉजिटिव कंसीडर हो सकता है जैसे कि हमने देखा कि अर्ली मैरिज है तो अर्ली मैरिज को आज की दुनिया के अंदर एक नेगेटिव या डेवियन बिहेवियर कंसीडर किया जाता है तो बरसों से अर्ली मैरिज की प्रैक्टिस जो है वो चली आ रही थी लेकिन इसके हवाले से जब ये मूवमेंट शुरू हुई कि अर्ली मैरिज को डिस्करेज किया जाना चाहिए तो ये बजाते ख़ुद एक डिवियन बिहेवियर कंसीडर किया जाता था दैट वाई वी आर डिस्करेजिंग द अर्ली मैरिज बट नाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अर्ली मैरिज इन इट सेल्फ इज कंसिडर्ड आ डिट बिहेवियर हाउ एवर द फंक्शनल प्रस्पेक्टिव इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवियंस सच एज दोशल डिसऑर्गनाइजेशन एंड इनिक्वालिटी तो डिवियंस बिहेवियर के या डिवियंस के बजाते खुद जहाँ पे बहुत से पॉजिटिव फंक्शंस हैं जिनको फंक्शनिस्ट हाईलाइट करते हैं वहीं पर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर ये इतराज़ भी लगाया जाता है कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसके पॉजिटिव फंक्शन से चूंकि बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से फंक्शनलिस्ट का ये कहना शायद जस्टिफाइड नहीं है कि डेवियंस इन इट कैन हैव पॉजिटिव फंक्शंस विद इन द सोसाइटी इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ प्रोटेस्ट टू चैलेंज द गवर्नमेंट करप्शन कैन बी सीन एज़ फंक्शनल इन नेचर But it has also led to violence and social disorganization. So you see that its temporary consequences to share, negative ho sakte hain, but later on, if such movements get successful, it positive consequences be So balancing the potential functions of deviance with its negative consequence is important for promoting the just and equitable society. सोशल साइंटिस्ट के लिए या सोशालोजिस्ट के लिए यह देखना जरूरी होता है कि वो उसके इन कॉन्सिक्वेंस को अप्रीहेंड कर सके और देखे कि किसी भी डिवियंस के जो नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का नेट बैलेंस क्या निकलता है जो कि माशरे के डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स को या डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है या फ्यूचर में अफेक्ट कर सकता है